सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप लोग उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। आपने तो प्रीव्यू देख ही लिया होगा। इस तरीके का रील इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तो आज हम लोग कुछ इसी तरीके का रील्स एडिट करने वाले हैं, वो भी VN ऐप में। वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आपको VN ऐप ओपन कर लेना है। अगर नहीं है तो मैं इसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देन आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे दो फोटो सेलेक्ट करना है, एक बिफोर एडिट एंड आफ्टर एडिट। क्लिक करने के बाद हमको म्यूजिक ऐड करना है, तो म्यूजिक वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, म्यूजिक को सिलेक्ट करेंगे, देन माय म्यूजिक, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो। इससे क्या होगा, जो म्यूजिक रहेगा वीडियो फॉर्म में वो ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं वीडियो भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। देन आपको वीडियो को म्यूजिक के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको 5.70 पर एडजस्ट कर देना है। देन आपको इफेक्ट्स पे आना है, फिर आपको स्टार्टिंग में चले आना है, बोले तो 0 सेकंड पे आपको ये वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको थोड़ा सा आगे आके इसको कट लगा देना है, ताकि दूसरा इफेक्ट्स ऐड कर सकूँ। आपको फिर से इफेक्ट्स वाला आइकन में आना है, इस बार ये सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो अभी यहाँ का काम खत्म हो चुका है, अब इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। देन आपको इस वाले ऐप को ओपन कर लेना है। इसका भी लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड इजीली कर सकते हो। आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 9:16 रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और क्रिएट पर क्लिक कर देना है। देन आपको मीडिया पर क्लिक करना है। अभी जो आपने VN ऐप से वीडियो जो सेव किया था, उस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है। देन आपको इफेक्ट्स पर क्लिक करना है एंड सर्च वाले आइकन पर आ जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है BCC ब्लर, इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर बीच में जो दो दिख रहा है, यहाँ पर आपको इंटेंसिटी को 4.9 कर देना है एंड ब्लर को 14.9 एंड ऊपर वाले को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है। ओके गाइस, तो आपका वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। अभी आपको सेव पर क्लिक करना है, रेजोल्यूशन को 1080p कर दो, फ्रेम रेट को 30 पे ही रख दो। अभी आपको एक्सपोर्ट वीडियो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट वीडियो बाय व्यूज ऐड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ज्वाइन नाउ पर क्लिक कर देना है। अभी भी आपका वीडियो सेव नहीं हुआ है, एक स्टेप और बाकी है। अब आपको सेव टू लोकल पर क्लिक। अब आपका वीडियो सेव हो चुका है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।